दोस्तों साइकिल और बाइक्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप नए जमाने की साइकिल या फिर ई बाइक्स को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक एकदम जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे अतरंगी से गैजेट जो कि आपको काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस 7 गैजेट की सीरीज में होने वाले हैं कौन कौन से कमाल के गैजेट। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना कतई मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस सफर की नंबर 7 के साथ। नंबर 7, कॉन्वर्साइकिल। दोस्तों हम सभी को पता है साइकिल एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखती है, क्योंकि अगर आप रेगुलर साइकिल चलाते हैं तो आप भी एकदम फिट रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप कहीं साइकिल से जाना भी चाहें तो उसमें सामान रखने की उतनी प्रॉपर जगह नहीं होती, आपको या तो बैकपैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप उसे टांग कर कहीं ले जाएं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में साइकिलिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की कन्वर्टेबल बाइसिकल को जो कि बड़ी ही कमाल की होती है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके बैक व्हील को पीछे की तरफ फिक्स करके इसमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर आप अपना सामान वगैरह रख पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा सफिशिएंट होता है कि आप इसमें अपना ट्रॉली बैग तक भी रख सकते हैं, जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहता है। और जरूरत ना होने पर आप इसे दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल बाइसिकल में। सामान वगैरह ढोने के लिए बहुत ही ज्यादा कायदे का गैजेट रहता है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे लोग सामान ढोने के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके की बाइसिकल उनके लिए काफी ज्यादा काम की हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा अतरंगी सा लगा होगा। नंबर 6, बाइक अम्ब्रेला कवर। दोस्तों बरसात के मौसम में अगर आप साइकिल की सवारी करते हैं तो आपको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश धीमे भी हो रही होती है तो साइकिलिंग करते समय ये काफी ज्यादा तेजी से महसूस होती है और आपके भीगने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों से बचने के लिए रेनकोट का, जो कि काफी हद तक सक्सेस भी रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत जल्दी में कहीं जाना हो या फिर ऑफिस वगैरह कहीं जाना हो तो आप वहाँ पर रेनकोट पहनकर नहीं जा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये अम्ब्रेला काफी ज्यादा काम आएगा। दोस्तों वैसे तो अम्ब्रेला सक्सेस होते हैं कि अगर आप पैदल कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर आप आसानी से अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं, लेकिन इस अम्ब्रेला की डिजाइन को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप बाइसिकल चलाते समय भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे आपको अपनी साइकिल में आगे की तरफ से लगाना होगा और साथ ही साथ इसमें एक हेड कवर भी दे रखा होता है, जिससे कि ऊपर की तरफ से भी पानी का बचाव किया जा सके। तो अगर आप भी कभी बारिश में फंस जाएं साइकिलिंग करते समय तो इस तरीके का गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो आप कमेंट करके हमें इस गैजेट के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 5, द वन इलेक्ट्रिक फोल्ड बाइक। दोस्तों आजकल ई बाइक्स का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी खास बात होती है इनमें पेट्रोल डीजल का कोई भी चक्कर नहीं होता और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी ये एकदम बेहतर रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी कुछ ऐसा चाह रहे हैं तो एक बार इस बाइक को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इसकी खास बात होती है इसका साइज, ये साइज में इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप आसानी से अपने हाथों में लेकर इसे कैरी कर सकेंगे। इस फोल्डेबल ई बाइक को आप जहां चाहे वहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी सेकंड्स के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में तो वो काफी ज्यादा मजेदार रहती हैं। दोस्तों इसमें 250 वॉट की एक पावरफुल मोटर लगी होती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और सिंगल चार्ज पर ये लगभग 52 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी जा सकती है। हालांकि इसके अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से ट्राई कर पाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भी ई बाइक को देखते हुए इसकी रेंज काफी ज्यादा बेहतर होती है। दोस्तों इसमें एक डिटैचेबल बैटरी मिलती है जो कि सैमसंग और पैनासोनिक की रहती है, और अगर आप चाहें तो इसकी मल्टीपल यूनिट भी अलग से परचेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी बाइसिकल की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कमाल की फीचर वाली ये ई बाइक मुझे तो कम से कम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। तो आपको भी अगर पसंद आई हो तो फटाफट एक लाइक मार दीजिएगा। नंबर 4, चेनलेस बाइसिकल। दोस्तों लगभग सभी तरीके की बाइसिकल में कॉमन टर्म ये होता है कि उनमें चेन लगी होती है, जिससे कि दोनों व्हील्स आपस में कनेक्ट रहते हैं और रोटेशन करते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं इस तरीके के अतरंगी से गैजेट को तो इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि इसमें इस चेन वाले मैकेनिज्म को पूरी तरीके से गायब कर दिया है। आप बस इसमें पीछे वाले पहिए को ही पैडल करती हैं, जिससे कि ये साइकिल आगे की तरफ बढ़ती है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप शॉर्ट डिस्टेंस में आने जाने के लिए। हालांकि ये आपको बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं देगी, लेकिन इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगी, क्योंकि इसमें आपका बैठने का तरीका और साथ ही साथ आपके पैरों के पैडलिंग का तरीका एकदम अलग रहता है, जो कि किसी भी नॉर्मल चेन वाली साइकिल में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों चेन वाला सिस्टम ना होने की वजह से आप इसे बीच से फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे कि लाने ले जाने में बड़ी ही मजेदार रहती है। आप चाहें तो इसे अपनी कार के अंदर रखकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी अतरंगी बाइसिकल परचेज करना जिसका इस्तेमाल आप अपनी फिटनेस के लिए कर सके और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एकदम बेहतरीन रहे, तो इस चेनलेस बाइसिकल का ऑप्शन आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
नंबर 3 वाइक स्लैमेडर साइकिल स्ट्रॉलर। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में काफी सारी अतरंगी सी साइकिल्स देखी, लेकिन अगर हम बात करें इस साइकिल की तो ये हो सकता है आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगे। दोस्तों नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे साइकिल में बैठाकर कहीं भी नहीं ले जा सकते, और अगर आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो ये काफी ज्यादा रिस्की और अनकंफर्टेबल होता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें आगे की तरफ बच्चों के बैठने के लिए जगह होती है। ये जगह लगभग 2 बच्चों के लिए एकदम पर्याप्त रहेगी, जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और आप आसानी से अपनी साइकिल को चला पाएंगे। दोस्तों यही नहीं, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी दे रखे होते हैं। अगर आप मॉल वगैरह जा रहे हैं जहां पर बच्चों को साथ में ले जाने में दिक्कत होती है, तो अगर आप चाहें तो इसे एक ट्राई साइकिल में भी बदल सकते हैं, जिसमें आगे की तरफ बच्चों को बैठाकर आप पूरे मॉल में कहीं भी घूम पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट बड़ा ही कमाल का होता है, इससे आपकी 2 उलझनें दूर हो जाती हैं। पहली बात, अगर आप अपने साथ बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके की साइकिल के साथ आप आसानी से उन्हें ले जा सकेंगे। वहीं घूमने फिरने में भी आपको अपने बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आप आसानी से उनको बैठाकर कहीं भी घुमा सकते हैं। तो अगर आपको भी ये गैजेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नंबर 2 स्मार्ट बाइक लॉक जी लॉक। दोस्तों आपने बाइसिकल चोरी हो जाने के बारे में तो बहुत लोगों से सुना होगा, और हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी बाइसिकल को सही लॉक नहीं करते। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप अपनी बाइसिकल को बहुत अच्छी तरीके से लॉक करते हैं, इसके बाद भी वो मिस हो जाती है। दरअसल इसका रीजन ये होता है कि आजकल जो लॉक्स आते हैं उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, आसानी से उन्हें ठोंक पीट कर तोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत हो और साथ ही साथ एडवांस भी हो, तो आप कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसे ओपन कराने के लिए आपको बायोमेट्रिक अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि आप पहले फिंगरप्रिंट लगाइए, उसके बाद ही आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें स्टील के छोटे छोटे बार्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट रहते हैं, जिन्हें कि आप अपनी बाइसिकल में लपेट कर उसे आसानी से लॉक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके लॉक को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो ये फौरन आपके मोबाइल फोन पर एक अलर्ट भी सेंड कर देता है, जिससे कि आप फौरन अवेयर हो पाए अपनी बाइसिकल की सेफ्टी को लेकर। लेकिन दोस्तों इसके फीचर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाते, इसके साथ आपको एक स्मार्ट ऐप कंट्रोल मिल जाता है जहां पर आप अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करा सकते हैं, और एक ही साथ आप काफी सारे लोगों को भी एक्सेस दे सकते हैं। वहीं दोस्तों आप इसे फोन की मदद से भी रिमोटली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जो कि इसका एक मजेदार फीचर रहेगा। लेकिन इसमें सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, इसीलिए इसे इतने ज्यादा एडवांस फीचर दे रखे होते हैं। दोस्तों इसकी बार्स में एक रबड़ की कोटिंग लगी होती है, जिससे कि जब आप इसे अपनी बाइसिकल में लगाएं तो किसी भी तरीके के स्क्रैच ना आए, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसके होते हुए आपकी बाइसिकल की सिक्योरिटी एकदम टाइट रहती है, तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों फाइनली आ गई है वो घड़ी जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस लिस्ट का एकदम टॉप गैजेट, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इनकरेज जरूर से करिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देखते हैं कि इस अतरंगी बाइसिकल्स की लिस्ट में कौन है नंबर 1 पर। नंबर 1 फन ट्रेन बाइक ट्रेलर। दोस्तों हमें से बहुत लोग साइकिल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें बैठने के लिए जगह नहीं होती है, यानी कि आप उसमें हार्डली 1 से 2 लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की साइकिल को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बैठने के लिए लगभग 4 लोगों के लिए जगह होती है। हालांकि ये 2 पार्ट में आती है, अगर आप चाहें तो इसे 2 लोगों के साथ भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पीछे वाला पार्ट ऐड कर लेते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटी 4 लोगों की हो जाती है। और इसकी खास बात ये रहती है कि इसमें 4 लोगों के लिए पैडलिंग ऑप्शंस दे रखे होते हैं, यानी कि 4 लोगों का लोड किसी एक इंसान पर नहीं पड़ता, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाए। तो इस तरीके से आप अगर किसी पिकनिक वगैरह पर जा रहे हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस में कहीं जा रहे हो और आपका मन ना हो कार से जाने का, तो आप इस तरीके की गैजेट को चुन सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। वहीं दोस्तों इसमें कंफर्टेबल का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसकी जो चेयर्स रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा आरामदायक रहेंगी। वहीं दोस्तों इसमें रिवर्स गियर भी दे रखा होता है, अगर आप चाहें तो इसे उल्टा पैडल करके पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिससे कि इसे बैक वगैरह करने में भी बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो इस तरीके का गैजेट उम्मीद है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और साथ ही साथ अतरंगी तो ये होता ही है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा कि आपको ये गैजेट्स कैसे लगे हैं, और अगर आप इनमें दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।